कहते हैं ना, एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है, लेकिन कभी कभी इस चीज का अपोजिट हो जाता है। कभी कभार एक कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है। और ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरी है मिसेज इंडिया और हाल ही में बनी मिसेज वर्ल्ड सरगम कौशल की। सरगम ने अपनी कामयाबी का सारा क्रेडिट दिया है अपने पति और अपने पिता को, और हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं आज इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाती। मेरे पिता ने मुझे सपने देखना सिखाया है। मिसेज वर्ल्ड बनने की खुशी में सरगम को भारत की ऑल ब्यूटी पेजेंट से और स्टार्स से मिल रहे हैं बधाइयां और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरगम कौशल को मिलने वाले उन्हीं गिफ्ट्स के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सरगम को कांग्रेचुलेशंस कहना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। नंबर 1, ऐश्वर्या रॉय। सबसे पहले बात करते हैं भारत की सबसे खूबसूरत महिला और मिस वर्ल्ड बन चुकी अभिनेत्री ऐश्वर्या के बारे में। ऐश्वर्या हमेशा से सपोर्ट करती हैं यंग और टैलेंटेड गर्ल्स को, और 21 साल बाद मिसेज वर्ल्ड का खिताब लेकर आने वाली सरगम को भी इन्होंने दी मुबारकबाद और इन्हें बहुत ही वार्म बेस्ट विशेस दी। ऐश्वर्या ने इसी के साथ सरगम को गिफ्ट किया टिफेनी एंड को का एक डायमंड ब्रेसलेट जिसकी प्राइस थी 7 लाख रुपए। नंबर 2, प्रियंका चोपड़ा। 7 समंदर पार दूर बैठी प्रियंका ने भी दी सरगम को जीत की मुबारकबाद और साथ ही इन्हें और आगे बढ़ने के लिए भी किया मोटिवेट। इसके अलावा भारत की देसी गर्ल ने सरगम को गिफ्ट की देसी साड़ी जो इन्होंने ऑर्डर पर मंगवाई है, और इस साड़ी की कीमत थी 2 लाख रुपए। नंबर 3, सुष्मिता सेन। जब मिस वर्ल्ड की बात हो रही हो तो भला मिस यूनिवर्स कैसे पीछे रह सकती हैं? सुष्मिता सेन छोटी उम्र से ही यंग टैलेंट को बहुत सपोर्ट करती आ रही हैं और वो यंग गर्ल्स को सपोर्ट भी करती हैं। सरगम को भी इन्होंने बेस्ट विशेस के साथ एक डायमंड रिंग गिफ्ट भिजवाई जो डिजाइन की थी फेमस डिजाइनर नीता लुल्ला ने, और इस रिंग की प्राइस थी 13 लाख रुपए। नंबर 4, मनुषी चिल्लर। मिस वर्ल्ड रह चुकी मनुषी चिल्लर ने भी कुछ साल पहले खूब सुर्खियां बटोरी और अब वे करने वाली हैं बॉलीवुड में डेब्यू। मनुषी ने सरगम को दी बहुत मुबारकबाद और ने गिफ्ट किया गुची का एक हैंडबैग जिसकी प्राइस थी 1 लाख रुपए। नंबर 5, लारा दत्ता। ब्यूटी पेजेंट बनी लारा दत्ता ने भी खूब नाम कमाया खूबसूरती की दुनिया में भी और बॉलीवुड में भी, लेकिन अब वे बड़े पर्दे के साथ साथ खूबसूरती की दुनिया से भी बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। लारा दत्ता भले ही अब मीडिया से दूर हैं, लेकिन वे करती हैं यंग टैलेंट को सपोर्ट। इन्होंने सरगम को जीत पर मुबारकबाद के साथ साथ गिफ्ट भिजवाई हैंडमेड मिठाई और चॉकलेट बॉक्सेस। नंबर 7, महेश भट्ट। बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर महेश भट्ट को कौन नहीं जानता। बॉलीवुड की डायरेक्शन लाइन में महेश भट्ट का ही बोलबाला है। महेश ने सरगम को देखते ही उनके टैलेंट को पहचान लिया और उन्होंने गिफ्ट के तौर पर सरगम को ऑफर की है अपनी न्यू मूवी, और सरगम ने इस मूवी के लिए कर दिया है यस, और जल्द ही अब सरगम भी हमें नजर आएंगी बड़े पर्दे पर। नंबर 8, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण खुद तो किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन वो शोज में करती है पार्टिसिपेट एज अ जज। ये खबर सुनने के बाद दीपिका ने सरगम को मुबारकबाद के साथ गिफ्ट किया पेंडोरा का नेकलेस सेट जिसकी प्राइस थी 90,000 रुपए। वेल दोस्तों, ये थे मिस वर्ल्ड 2022 बनी सरगम कौशल के एक्सपेंसिव विनिंग गिफ्ट। आपको इनमें से किसका गिफ्ट ज्यादा पसंद आया कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और सरगम को कांग्रेचुलेशंस कहना मत भूलिएगा। और सरगम के सपोर्ट के लिए और भारत के सपोर्ट के लिए वीडियो पर लाइक तो बनता है।